आप लोग के लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। वो वीडियो है इस फोन पे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, आप अगर ऑनलाइन हर जगह पैसा पेमेंट करते हो तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे आप किसी को पैसा भेजा, अगर आपका एक भी नंबर उसमें गलत हुआ ना तो दूसरे के पास पैसा चला जाता, वो पैसा भी आप रिफंड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत जो UPI का जो वेबसाइट रहता है उस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसके वजह से आपको पैसा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप किसी को अगर पैसा भेजना चाहते हो, चाहे अकाउंट हो, पूरा डिटेल्स अच्छे से लिया करो, नंबर चार्ज करके उसके बाद पैसा सेंड करो, एक रुपया चेक करके, ठीक है। और एक है आपका जो फोन पे का कोई अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है गूगल पे फोन पे का, तो आप लोग को एक काम करना पड़ता है, आपको उस ऐप को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करोगे तो जो न्यू फीचर आएगा वो आपको लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो वो जो ऐप के अंदर जो प्रॉब्लम्स होता है, कुछ तो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे UPI आपका सम टाइम दिखाता है पेमेंट फेल हो गया, ऐसा हो गया, पैसा है अकाउंट में तब भी फेल हो जा रहा है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है। वो है आपका जो ऐप है गूगल पे फोन पे पेटीएम, उसको अपडेट करो। और उससे भी नहीं हो रहा है ना, आपको आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करके आधा घंटा बाद ओपन करो, फिर आपको जो फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ना वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आएगा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा चेक किया था, मैंने एक बार देखा मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने अपने हिसाब से किया एक बार, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि पेटीएम फ़ोनपे से किसी के अकाउंट में पैसा भेजना, मतलब नंबर से नहीं, सिर्फ अकाउंट नंबर से आप किसी को पैसा भेज सकते हो, इसके लिए फ़ोनपे गूगल पे में फ्यूचर है। आप लोग फ़ोनपे चलाते हो तो चेक करोगे, उधर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र हो भी रहता है, मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र तो रहता है आप लोग का मान QR कार्ड, और आप लोग बैंक अकाउंट में इसका फ़ोन पे नहीं पैसा भेजना चाहिए, आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। फ़ोन पे गूगल पे में अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। और रिचार्ज का बात करूँ तो फ़ोन पे गूगल पे में रिचार्ज नहीं करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि इसमें आप लोग को प्रॉफिट नहीं होता, तो एक रुपया ज़्यादा देना पड़ता है आप लोग को, एक रुपया एक्स्ट्रा लेता है रिचार्ज में, ये चाहे 15 का करो 16 का करो, एक रुपया चार्ज लेता है 1%। इसके लिए आपको जो सिम यूज़ करते हो वही सिम का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कमीशन मिलेगा आप लोग को, चाहे जो भी सिम हो, एयरटेल, वोडा, जियो, जो भी हो, BSNL, सबका एक ऐप अलग से ऐप रहता है, उसमें से आप रिचार्ज करोगे तो आप लोग को कमीशन मिलेगा। फ़ोनपे गूगल पे से रिचार्ज ना करें, आपको कुछ फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। ये लोग इसमें बहुत फ़ायदा लेता है आप लोग से, इसलिए आप प्ले स्टोर में जाके जो भी कंपनी यूज़ करते हो उसका ऐप डाउनलोड करते हो, रिचार्ज कैशबैक का बोल के सर्च करोगे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग अगर चाहते हो तो पैसा अपने हिसाब से खर्चा करो, तो जो सिम यूज़ करते हो उसको ऐप को डाउनलोड करके रखोगे, अगर इलेक्ट्रिक बिल भी पेमेंट करते हो तो जो कंपनी में तुम पेमेंट करते हो वही कंपनी का ऐप डाउनलोड करके आपको करो तो आप लोग को कैशबैक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर, और ऐसा वीडियो, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो और